आखिर मेरे प्यारे भारतवासियों आपको कौन चाहिए, मेरे प्यारो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपको कौन चाहिए। 18 घंटे दिन में जो देश प्रेमी देश के प्रति पागल होकर काम करने वाला, क्या वो नहीं चाहिए? तो आखिर आपको कौन चाहिए? उसके देश प्रेम मेहनत और लगन जुनून निष्काम ईमानदारी देखकर पूरे वर्ल्ड के दिग्गज लीडर्स उसको नमन कर रहे, जो अब तक पिछले लीडर्स के साथ कभी भी नहीं हुआ, गूंगे राज में भी। तो क्या उसके बाद भी आप इस सेवादारी को चोर कहेंगे या चौकीदार कहेंगे? शेम शेम शेम। ऐसा देश प्रेमी देश के प्रति पागल वो भी घर नहीं चाहिए आपको, तो आखिर कौन चाहिए दोस्तों? मेरे प्यारो भारतवासियों, आखिर आपको कौन चाहिए? जो देश प्रेमी भारत माँ को, जो देश चौकीदार देश प्रेम में पागल होकर भारत माँ को पूरे विश्व में फर्स्ट नंबर, पूरी दुनिया उसके आईक्यू एक्शन विजन को सलाम कर रही, उसकी आईक्यू एक्शन विजन को देखकर नमन कर रही, क्या वो भी आपको नहीं चाहिए? तो मेरे प्यारो भारतवासियों, आखिर आपको कौन चाहिए? वो रोजाना स्कैम्स आफ्टर स्कैम्स करवाने वाला, वो स्विस बैंक्स में काला धन जमा करने वाले, वो रोजाना मिलिट्री जवानों पर जम्मू एंड कश्मीर में पत्थर फेंकवाने वाले, वो जिनका मंसूबा था भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो चाहिए? क्या आपको मोरोसी नॉन हिंदू जनरेशंस चाहिए? वापस मुगलों का राज चाहिए? वो जो दो पाकिस्तान और हमारी कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी बनने के बाद अब हिंदुस्तान को भी गजवे हिंद यानी मुस्लिमस्तान बनाना चाहते हैं, क्या वो चाहिए? तो आखिर दोस्तों कौन चाहिए? वो ही चाहिए जिनको आप 60 सालों से अंधे बनकर चुनते आ रहे। कब जागोगे मेरे प्यारे भारतवासियों? आखिर कब जागोगे, कब अक्ल खोलोगे? आखिर कौन चाहिए आपको? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आखिर आप अपने अक्ल के दरवाजे कब खोलोगे, कब जानोगे, कब पहचानोगे आपके हित में कौन है? हिंदुस्तान के हित में कौन है? हिंदुओं के हित में कौन है? इतना भी समझ में नहीं आ रहा? 74 सालों में भी अगर आप नहीं पहचान सके कौन है हिंदुस्तान का सच्चा रक्षक, कौन है हिंदुस्तान का सच्चा प्रेमी सच्चा पागल, कौन है हिंदुस्तान का सच्चा भारत माँ का सच्चा लाडला, कौन है हिंदुस्तान का सच्चा शिवादारी, कौन है हिंदुस्तान का सच्चा चौकीदार, कौन है हिंदुओं का हिंदुस्तान का सच्चा हिंदू राष्ट्र बचाने वाला, कौन है हिंदुओं का हिंदू धर्म जीवित रखने वाला, कौन है हिंदुओं का हिंदू धर्म बचाने वाला? 50% अखंड हिंदुस्तान की जमीन तो दोस्तों जा चुकी गैर हिंदुओं के पास, फ्रॉम अफगानिस्तान टू बर्मा। तो क्या कब जागोगे मेरे प्यारे हिंदुओं, कब जागोगे आखिर? मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, कब जागोगे? क्या जब चिड़िया चुन जाए खेत, जयचंद बने थे जयचंद अब तो मत बनो, जिंदगी बहुत ही छोटी है,
वफादार बनो अपने देश के प्रति, धर्म के प्रति, देशवासियों के प्रति। जेवर धन दौलत, पैसे रुपये, हीरे जवाहरात, बंगले, जमीन माड़ियां, जो तुमने तिकड़मबाजी से, बेईमानी से कमाई हैं, मेरे साथ नहीं चलने वाली। हाँ, वो बेईमानी के कर्म फल तो जरूर चलने वाले। तो प्यारो, क्यों भागीदार बनते हो कुकर्म के, दुष्कर्म के, पापों के? देशित भारत माँ, देश प्रेम में काम करो, देशवासियों को मदद करो, निस्वार्थ काम करो गरीबों के लिए, दूसरों की सेवा करो, नीडी पर्संस की। जहाँ का अन्न जल ग्रहण किया है, जिस जननी का, उसके प्रति वफादार बनो, ईमानदार बनो, लायल बनो, ईमानदारी से कर्म करो, वरना भुगतना तो होगा ही, नहीं तो कीड़े मकोड़े की तरह 87 लाख जुड़ियों से गुजरना तो होगा ही। प्यारो, तुम्हारा हठ जिद घमंड बहुत ही सीमित है, नष्ट हो जाएगा क्षणभंगर में। कुदरत कायनात प्रभु ईश्वर ने तुमको बनाया है, तुमने उसको नहीं पाप न कर बंदिया, बेईमान मत बन बंदिया, ना ही घमंड कर, अनकर्म वचन से ईमानदार रहो, शुक्र कर रे बंदे, शुक्र कर उस परमेश्वर का, प्रभु का, बारंबार शुक्र कर रे बंदे, शुक्र कर। देने वाला तो वो ही है, चाहे तू किसी भी पंथ, किसी भी धर्म का हो, सच का सौदा कर है बंदे, सच का सौदा कर ले। हिंदुओं के जननी का, हिंदुओं का खाके, हिंदुओं के साथ दगा मत कर ए बंदे, दगा मत कर। वफादार बन इस राम कृष्ण की जननी से, वफादार बन जिनका अन्न जल ग्रहण कर रहे हो। दूसरों का धर्म परिवर्तन करना हराम है, दूसरों का पूजा स्थल हड़प करना हराम है बंदे, दूसरों की स्त्रियों के प्रति, महिलाओं प्रति बुरी नजर रखना और कुकर्म करना हराम है दोस्तों, भुगतना तो होगा ही, बुरे कर्म तो करते ही हो। कायनात में कहीं भी जगह नहीं मिलेगी बलात्कार, बेशर्मी और बुरे कर्म की। शैतान मत बने बंदिए, शैतान मत बन, हराम का मत खाए बंदिए। इस जननी के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति, इस राम कृष्ण की जननी के प्रति वफादार बन। जय श्री राम।